उसके बाद जो है बताया पुलिसकर्मी बिना सबसे बड़ी चीज है कि पुलिसकर्मियों पर भी पहुंचा हुआ है प्यार नहीं था जिसके लानी पड़ी ताकि उसको पहले पहले आपसे स्टोर करना पड़े क्योंकि स्थिति है वो आपके बीमार दूर हो जिसके बाद मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस की टीमें समय जाती हुई नजर आ रही है। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लेती जाती हुई नजर आ रही है। जमकर हंगामा होता है दो पक्ष के लोग मेडिकल पर आने आए थे पहुंचे थे और जिसके बाद जानकारी है कि उनको जब हिरासत में लिया जा रहा था तो पुलिस पर ही हमला बोल दिया जाता है और अब आप देख सकते हैं उन तमाम लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस करनाल की लाइव तस्वीरें किस प्रकार से देख सकते हैं दूसरा तस्वीरें किस प्रकार से अंदर बाथरूम सर लेकर जा रही है किस प्रकार से पुलिस के डर से ये युवक जो है बाथरूम में शौचालय में घुस जाते हैं गिर रहे हैं देख सकते हैं किस प्रकार से युवकों के द्वारा बेहद पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई थी युवकों के द्वारा और तमाम युवकों ने फिलहाल से करवाल के कल्पना चावला को यहाँ पर लेकर करनाल की लाइव तस्वीरें किस प्रकार से देख सकते हैं दूसरा तस्वीरें किस प्रकार से आज होली के त्यौहार के दिन किस प्रकार से लगभग 100 पक्षों में 100 फुटों में बेहद जमकर झगड़ा होता है और उसके अंदर किस प्रकार से भैया बागपति गांव से कॉल आई थी शाम को हमारे पास के दो पक्षों में झगड़ा हुआ है तो वहाँ मौके पे गए थे दोनों पक्षों को हमने शांत करवा दिया है लेकिन एक पक्ष ने एक दूसरे पक्ष के साथ ज़्यादा मारपीट कर रखी थी गाड़ियाँ वगैरह तोड़ रखी थी फिर कंप्लेंट वगैरह देने के लिए वहाँ चौकी में आए तो वो खुद ही बोले भाई दूसरा पक्ष भी मेडिकल करवाने के लिए गया हुआ झगड़ा कर सकता है हम यहाँ पर आए तो दोनों पक्षों का झगड़ा स्टार्ट हो गया ना उस बीच में मुलाजिमों के साथ भी उन्होंने मारपीट शुरू कर दी थी मुलाजिम भी घायल है सर हाँ मुलाजिमों को कुछ चोट लगी हुई है हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ सर हॉस्पिटल में भी काफ़ी शीशे वगैरह तोड़े हुए हैं काफ़ी ब्लड लगा हुआ है जी यहाँ तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी देख रहे हैं उनको स्टेटमेंट वगैरह जो भी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे जो पुलिस कर्मचारी जो हमारे हैं वो काफ़ी घायल हैं हाँ चोट लगी है लोग हैं सर एक दो मुलाजिम को ज़्यादा चोट लगी है तो इनमें पहले भी झगड़ा था सर हमारे जो हाँ 7-8 महीने पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था उसमें भी केस रजिस्टर किया है दोनों पक्षों के हमने प्रेंटी एक्शन भी किया था यहाँ के रहने वाले ये बागपति गाँव कितने घायल हैं अभी कुछ नहीं कह सकते जी घायलों का कुछ नहीं कह सकते